बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आए। तो पिछले बुधवार 31 जुलाई को जो हमारे नाहन हाउस वाल्मीकि बस्ती में एक बहुत दिल दहलाने वाली घटना घटी, जिसमें दो बच्चियों के शव, एक 7 साल के और एक 11 साल की बच्ची थी, इनके घर पे मिले थे इनके शव। तो उस केस में हमने कल पहली अरेस्ट अपनी करी है, जिसमें मुख्य रोल उनकी मदर का, उनकी माता का आया है सामने, और आज हमने उनको पेश अदालत करके 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। इस तरीके से हत्या दी गई और हत्या करने का मकसद क्या था? जी, रिमांड इसलिए ली गई है ताकि हम दोबारा से घटनाक्रम को समझ पाए, हत्या क्यों की गई और कैसे की गई उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से जर कर पाएँ। बट अभी प्राइम एफएसआई जो प्रथम दृष्टिया में पता है कि गला घोटकर दोनों बच्चों की हत्या की गई है। फैमिली पड़ोसी पर आरोप लगे, उसको लेकर क्या कुछ जी वो तफ्तीश जारी है, उससे भी पूछताछ की गई थी। बट जो अभी फिलहाल जो एविडेंस आया है उसमें माता का रोल है, ये हम कन्विंस्ड है, बाकी अभी भी हमारी जांच चल रही है। माँ के साथ भी कुछ हुआ? जी जैसा कि मैंने कहा, उसमें अभी जांच चल रही है, तो बाकियों की संलिप्तता है नहीं है और किस घटनाक्रम में हत्या की गई, उसका कारण क्या था, वो भी 2 दिन की हमने जो रिमांड ली उसमें चेयर करेंगे। और अभी मीडिया का कहीं किसी के साथ अफेयर वगैरह इस तरह की कोई सामने? जी अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ सामने नहीं आया, ऐसा सामने आएगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।